इंदौर में फिर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना तिलक नगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक का सिर पत्थरों से सिर कुचलकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक नशे का आदी था और पुलिस को आशंका है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद में उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये काम तो कभी कुछ नहीं करते, पर ऐसे अटाले की दुकान उन पे अटाले की भंगार पे दुकान पे अटाला छाटते। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं 2 बजे वहाँ बंगले पे काम कर रही थी, तो हमको यहाँ किसी जेंट्स ने फोन लगा के बोला कि आपके भाई की तबीयत खराब है, तो एम्बुलेंस आ गई, आप में से तीनों बहन में से एक जने कोई भी आ जाओ। तो हम तीनों बहने साथ में आए, हमने देखा कि वो ऐसा खून में लथपथ पड़ा हुआ था। हमें लगता है कि किसी ने उसका मर्डर किया है, उसे पत्थर से मारा गया है। मेरा भाई बहुत सीधा है, वो भले ही नशा करता है, सोल्यूशन सूंघता है, पर कभी किसी को मारते नहीं है वो। आज 1.5 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थाने पे कि एक अज्ञात बॉडी मिली है, जिस पर मैं अपने रावत साहब और थाने का अन्य स्टाफ यहाँ पर आया, देखा बॉडी पड़ी थी, जिसके सर पे चोटें लगी हैं, चोटें हैं सर पे। मृतक का नाम छोटू भौरी और पिता राधेश्याम, उम्र करीबन 20-21 साल का है, निवासी अमन नगर मूसाखेड़ी का रहने वाला है। कचरा वचरा बीनने का काम करता था और यहीं रहते थे, यहीं सोते थे। हाँ, शंका तो इसी बैतूल के ताप्ती